हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज टीजीटी पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी, तो उसी क्रम में आज मैं इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। हालांकि पहला पार्ट जो था वो इंग्लिश मीडियम में था, बट बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई हिंदी मीडियम में कराने के लिए, इसीलिए मैंने सेकेंड पार्ट से हिंदी मीडियम में कराना शुरू करा है। तो आज की टेस्ट सीरीज में भी बेहतर 25 क्वेश्चनों का संग्रह होगा और आपको बताना होगा कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो अदर सब्जेक्ट के भी बच्चे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही हम टाइम टेबल को डिवाइड करके आपके लिए डेली आपके जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ है वो लेकर आएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं, आज का इकोनॉमिक्स का जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है उसको शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सही नहीं है। आपका इसकी शुरुआत मार्च 2015 में हुई थी, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा और यह 300 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इसका मुख्य ध्यान 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर रहेगा। तो इसका सही उत्तर आप सभी को देना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आपका होगा सी, यह जो है वो 300 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ये कथन इसके बारे में सही नहीं है, ठीक है, और यही इसका सही आंसर है। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्म दिवस पर की गई थी। वल्लभ भाई पटेल के, दीनदयाल उपाध्याय के, महात्मा गांधी के या जयप्रकाश नारायण के। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, जयप्रकाश नारायण के। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन दो कार्यक्रमों को का मनरेगा में विलय हुआ है। आपका SGRY और NFFWP या फिर SGRY व SJFY या फिर आपका NFFWP और JRI या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। और इन सभी का फुल फॉर्म आपको क्या पता है, आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, SGRY एवं या फिर वह NFFWP। ओके, तो ये इसको इन्हीं दो कार्यक्रमों को का जो है मनरेगा में विलय हुआ है। और इन सभी के आप फुल फॉर्म हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को ईस्वी में शुरू किया गया, किस ईस्वी में शुरू करा गया, 1999 में, 2001 में, 1996 में या 1995 में। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, 2001 में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक इंदिरा आवास योजना के बारे में सही नहीं है। इसे वर्ष 1985-86 में शुरू किया गया था, वर्तमान में यह भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है, इसके न्यूनतम 60% फंड जो हैं वो अनुसूचित जाति TSS के घरों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको देना है और डी भी ऑप्शन है इसका। इसका वित्तीय बोझ जो है वो 50:50 के अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, ये जो कथन है ये क्या है, ये सही नहीं है। किस योजना के बारे में, इंदिरा आवास योजना के बारे में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजीव आवास योजना के बारे में सही नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्लम मुक्त भारत बनाने का है। इस योजना के तहत देश के करीब 500 शहरों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कवर करने की योजना है, या फिर इसकी 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है जाएगी, और आपका उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, आपका इस योजना के तहत देश के करीब 500 शहरों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कवर करने की योजना है, ये कथन इसके बारे में सही नहीं है।
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, ट्राइसम क्या लिखा हुआ है, ट्राइसम के लिए के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है। तो इसका आपको जवाब देना है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना, शहरी युवाओं को रोजगार देना, देश के गरीबों के पोषण स्तर को सुधारना और गांवों के लिए सड़क संपर्क तैयार करना। तो इसका सही आंसर आपको देना है, तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना ट्राइसम के लिए ने बनाया गया एक कार्यक्रम है। किसके लिए, ट्राइसम जो है वो ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए एक बनाया गया कार्यक्रम है, ठीक है। इसीलिए देने लिखा हुआ है, देने के लिए, ये सेंटेंस आपको इस तरीके से समझना था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है। आपको ये पता होना चाहिए भाई, आजकल सरसों का तेल इतना महंगा भी हो रहा है, तो सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कौन तय करता है, आपका वित्त आयोग, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, कृषि विपणन आयोग या नाबार्ड। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था, 2001-2 में, 2010-11 में, 2005-6 में, 2005-7-8 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, 2005-6 में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत में खाद्यान्न उत्पादन क्विंटल के घटते क्रम में कौन सा सही है, चावल, गेहूं, मोटा अनाज, मक्का, गेहूं, चावल, मोटा अनाज, मक्का, चावल, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज, और चावल, मक्का, गेहूं और मोटा अनाज। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर होगा आपका ए, चावल, गेहूं, मोटा अनाज और मक्का, ठीक है, यही है इसका घटता हुआ क्रम। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी जिसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, सीजनल बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी, ये सभी बेरोजगारी पाई जाती है भाई, भारत में तो बेरोजगारी पाई जाती है, आपको पता ही है, उपयुक्त सभी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, यह आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा। तो ये आपको बताना है, ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा, आंसर शो भी हो गया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसका आंसर पता था या नहीं पता था। ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा, और आपका सीजनल बेरोजगारी कहा जाएगा, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। ऑल राइट, आगे बात करेंगे उसका थोड़ा सा आपको व्याख्या भी हमने दी है यहाँ पर। अनैच्छिक बेरोजगारी इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता क्योंकि अर्थव्यवस्था में काम है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ज़्यादातर हमारे जो बेरोजगार है वो इसी तरीके के, हमारे युवा भी तो इसी तरीके से हैं, अनैच्छिक बेरोजगार हैं कि वो काम तो करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिलता, है ना। फिर है किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, सीजनल बेरोजगारी और आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर आपका ए होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 14 है आपका, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक या प्रच्छन्न। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, ऐच्छिक बेरोजगारी, मतलब अपने मन से बेरोजगार है, काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि ऐच्छिक बेरोजगारी विकसित देशों में लोगों को काम तो आसानी से उपलब्ध है लेकिन वे इसे कम मजदूरी, आलस या किसी अन्य कारण से करना नहीं चाहते हैं और इसीलिए इन्हें ऐच्छिक बेरोजगार, अपनी इच्छा से बेरोजगार कहा जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, बड़ा ही अच्छे प्रश्न हैं आज के। यदि किसी कंपनी में नए कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं और कुछ कर्मचारियों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होने के कारण
जॉब से निकाल दिया जाता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है यहाँ। तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी, आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, आपका छुपी हुई बेरोजगारी या घर्षण जनित बेरोजगारी? तो इसका सही उत्तर आपका होगा डी, घर्षण जनित बेरोजगारी। बेसिकली जब आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना होने के कारण, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई और इस वजह से जो पुराने लोग काम कर रहे थे उनकी नौकरियां छिन गई हैं, तो इसके कारण जो बेरोजगारी आ रही है उसको आप घर्षण जनित बेरोजगारी या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो घर्षण जनित बेरोजगारी इस प्रकार के बेरोजगार हुए लोग जो कंप्यूटर सीख के दोबारा नौकरी कर सकते हैं, मतलब ये कंप्यूटर अगर सीख ले तो दोबारा नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वे कंप्यूटर नहीं सीख लेते तब तक उनको बेरोजगार कहा जाता है। मतलब अब सीधी सी बात है, अगर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो जब तक आप उसे नहीं सीख लेंगे तब तक आपको उस टाइम पीरियड के लिए बेरोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। वैसे तो कृषि में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से प्रच्छन्न बेरोजगारी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जिसमें श्रमिक जो है वो आवश्यकता से अधिक काम करता है, वो जो काम है वो आवश्यकता से अधिक करता है, लेकिन कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। मतलब काम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है लेकिन उनकी जो उत्पादकता है वो बहुत शून्य है। क्यों? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकती हैं इसका कारण। तो सबसे ज़्यादा कृषि में हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। आगे बात करेंगे हम चक्रीय और घर्षण जनित बेरोजगारी किस प्रकार के देशों में पाई जाती है? अल्पविकसित, विकासशील, दोनों में, विकासशील, उसके अलावा आपको और ऑप्शन दिए हैं विकसित और अल्पविकसित। तो इसका सही आंसर आपको देना है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, विकसित देशों में इस प्रकार की जो बेरोजगारी है चक्रीय और घर्षण जनित बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। जब देश विकसित हो रहा होगा तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही होगी, और जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही होगी तो इस तरीके की बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा किसने विकसित की थी? जॉन कीन्स ने, अमर्त्य सेन ने, आपके जॉन रॉबिन्सन ने या फिर अल्फ्रेड मार्शल ने? तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, जॉन रॉबिन्सन ने। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, आपका है बेरोजगारी दर को ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? बेरोजगारी की संख्या डिवाइड बाय कुल श्रम शक्ति इंटू 100, कुल श्रम शक्ति बेरोजगारी की संख्या डिवाइड बाय बेरोजगारी की संख्या इंटू 100, या बेरोजगारी की संख्या कुल श्रम शक्ति इंटू 1000, कुल श्रम शक्ति इंटू डिवाइड बाय बेरोजगारी की संख्या इंटू 1000? आपको सही उत्तर देना है, तो इसका सही उत्तर आपका ए होगा, बेरोजगारी की बेरोजगारों की जो संख्या है और कुल श्रम शक्ति जो है उसको इंटू 100 कर दें तो आपका बेरोजगारी दर का जो पता है वो लग जाएगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 है किसी देश की श्रम शक्ति में किन्हें गिना जाता है? तो आपको बताना है कि किसी देश की अगर हमें श्रम शक्ति को गिनना है तो उसमें हम किसको गिनेंगे, 18 से 60 आयु वर्ष की जनसंख्या को, 15 से आपकी जो है 65, या 18 से 65, या 21 से 62 आयु वर्ष की संख्या को, जनसंख्या को हम चुनेंगे? तो आप बताएंगे हम किन्हें गिनेंगे अगर हमें बेरोजगारी की संख्या के बारे में या श्रम शक्ति के बारे में पता करना है। तो उत्तर भी होगा कि 15 से आपका 65 आयु वर्ष की जो उम्र होती है उसी को हम बेरोजगारी की संख्या में गिनते हैं, मतलब उसी जनसंख्या को हम श्रम शक्ति में गिनते हैं, ठीक है, मतलब श्रम शक्ति मानते हैं इनको हम, ठीक है, और इन्हीं के हिसाब से हम बताते हैं कि कितने बेरोजगार जो हैं वो हमारे देश में हैं। आगे बात करेंगे वह कौन सी प्रणाली है, कर प्रणाली है, जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है? आपको बताना है, वाट लगाया जाता है, आयकर लगाया जाता है, सीमा शुल्क या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आपका ए होगा, वाट।
इसके बाद हम बात करेंगे व्याख्या वैट में उत्पादन के हर चरण में वस्तु के मूल्य वर्धन पर लगाया जाता था। हालांकि अब ये कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन जिस तरीके से थे उस हिसाब से हमें आंसर देना था। कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आते हैं तो आपको वहाँ पर अपना थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है। निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? आय कर, संपत्ति कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, निगम कर और बिक्री कर। तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष क्या होगा, आपका बिक्री कर, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम पे एक तरीके से क्या हो गया है, GST। आगे बात करेंगे आय कर जो है, संपत्ति कर, निगम कर तीनों प्रत्यक्ष हैं जो डायरेक्ट लगते हैं और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की वस्तु, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ ताकि आपको दिखे, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST निम्न में से किस कर को ख़त्म कर देगा? संपत्ति कर, निगम कर, वैट कर या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, जैसा कि मैंने अभी आपसे ऊपर ही बोला था कि भाई उधर जो ऑप्शन थे उस हिसाब से हमने वैट बताया, बट अब वैट क्या है, ख़त्म हो गया है GST की वजह से। पहले वो हर चरण पर लगाया जाता था, इसी वजह से क्या हुआ, GST को लाया गया, ताकि GST क्या करे, जो मतलब जगह हर मतलब एक था कि ना कि वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम लाया जाए, हर लेवल पर, हर जगह पर, हर स्टेज पर टैक्स ना लगाया जाए। वस्तु एवं सेवा कर GST केवल अप्रत्यक्ष करों जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क को ख़त्म करेगा और आपका प्रत्यक्ष करों पर जो, लेकिन हाँ जो आपका GST आया है सीधी सी बात है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर है यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है तो उसे कौन सा कर देना पड़ेगा? वैट, सीमा शुल्क, आय कर या निगम कर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो आयात आयात और निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सीमा शुल्क ही लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? बड़ा अच्छा सा प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया है वैट, आय कर, निगम कर और स्टैंप ड्यूटी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, स्टैंप ड्यूटी। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर आपको ये 25 क्वेश्चन का जो संग्रह है वो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप अपना प्यार भरा सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा, हम उसे आगे की वीडियो में अमल करेंगे। नमस्कार।